सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आना चाहेंगी इस समय जो प्रदेश में और केंद्र में सरकार है इनका कटनी और करनी में कितना अंतर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब गुजरात चुनाव में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है और यहाँ पे अभी तक शायद हमें नहीं लगता है कि किसी भी बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिला हो। कहते थे कि हम महंगाई कम करेंगे, आज तक महंगाई कम तो बहुत दूर की बात है, स्थिर भी नहीं कर पाए और आज महंगाई बिल्कुल चरम पर है। दूने तीने दाम हर चीज के हो रहे हैं। अगर सस्ता कुछ हो रहा है तो केवल किसानों का अनाज हो रहा है सस्ता, वो भी जब किसानों किसान पैदा करते हैं उस समय सस्ता होता है और जब किसान से व्यापारी के पास चला जाता है तो वो महंगा हो जाता है और किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है और उनकी बुरी दुर्दशा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम शिक्षा मित्र भी रोज कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में 4 से 6 शिक्षा मित्र रोज आत्महत्याएं करते हैं जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी कोई विकास की रोज हमारे जो मुख्यमंत्री है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो काम किए थे उन्हीं के कामों का रोज उद्घाटन करते रहते हैं। जो उन्होंने 302 किलोमीटर का सबसे अच्छा देश का जो एक्सप्रेस वे बनाया था वो भी वो बताने लगे हैं कि हमारा एक्सप्रेस वे है। जो उन्होंने मेट्रो चलाई सबसे कम समय में मेट्रो चलाई लखनऊ में वो भी आज उत्तर प्रदेश सरकार बताने लगी है और उसका उद्घाटन वो खुद करने लगे हैं। 100 नंबर जैसी माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो योजना दी आज उससे कम से कम गुंडों के अंदर भय रहता है कि ये अगर 100 नंबर पर फोन हो जाएगा तो 100 नंबर तुरंत आ जाएगी, लेकिन उसको भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी कोई मंशा नहीं है, ना इनकी कोई विकास की योजना है, ना कोई काम। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि ये माननीय प्रधान जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2013 में खुशहाली के मामले में हमारा देश 102वें नंबर पे था, लेकिन आज हमारा देश खुशहाली के मामले में पाकिस्तान और नेपाल जैसे गरीब, जब पाकिस्तान में जो आतंकवाद से त्रस्त है और नेपाल जो गरीबी से त्रस्त है उससे भी पीछे है और 102 से 122वें नंबर पे हमारा भारत देश आ गया है खुशहाली के मामले में। अब आप देखिए GST लगा दी जिससे व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कहीं किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, केवल हो रहा है तो उत्पीड़न हो रहा है। नोटबंदी करते हैं, कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, हम अच्छी व्यवस्था लागू करेंगे, लेकिन देखिए नोटबंदी आज तक की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि हम जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 100 दिन के अंदर हम देश का जो काला धन सुस बैंकों में जमा है वो हम वापस लाएंगे, लेकिन नहीं, वो तो दूर की बात है। और हमारे देश का जो सफ़ेद धन है वो यहाँ विजय माल्या जैसे, नीरज मोदी जैसे लोग देश से लेकर भाग रहे हैं और जब तक वो देश में रहते हैं कुछ नहीं होता है, जब देश से भाग जाते हैं तो उनके यहाँ छापे पड़ने लगते हैं। तो केवल दिखावा करते हैं, इनकी कोई मंशा नहीं है कि मतलब अच्छी व्यवस्था लागू हो। यहाँ तक कि जब ये हमारे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो जो भाजपा के राष्ट्रीय मुखिया हैं अमित शाह जी यहाँ आए थे राज्य में, उन्होंने 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आप सरकार बनवाते हैं तो हम 1 महीने के अंदर राज्य में रेलवे लाइन देंगे, लेकिन आज 1 साल होने जा रहा है, दूर दूर तक कहीं भी कोई रेलवे लाइन की कोई सुनवाई नहीं है। जबकि यहाँ के सांसद रेलवे स्थायी समिति के सदस्य हैं,
यहाँ के सांसद सर रेलवे स्थायी समिति के सदस्य हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं कर पाया है। और यहाँ सारे विधायक सारे सांसद सब भाजपा के हैं, लेकिन आज तक रेलवे लाइन तो दूर की बात है, कोई विकास का काम ही नहीं कर पाए हैं। जो हुआ है केवल आपका समाजवादी सरकार में हुआ है। आप चाहे जो रोड देख लीजिए, आप जालौन से राट तक फोर लाइन मिला, आपका जलालपुर रोड देख लीजिए, पूरे टू लाइन सीसी मार्ग हो गया, आपका जो एशिया का सबसे ध्वस्त मार्ग था, आपका जो आपका यहाँ से हमीरपुर से लेके जो पुरारा होते हुए और जोलुको मोड़ तक एशिया का सबसे खराब रोड था, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाने का काम किया। और चाहे आप जो भी पुल देख लें यहाँ पे, चाहे चंदौत हो, चाहे कुछेचा हो, चाहे जलालपुर वाला पुल हो, यहाँ तक कि जो 35 साल से जो चरखानी वाला पुल अधूरा पड़ा था, बन नहीं पा रहा था, जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बताया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर वो पुल पूरा करा, जो 35 साल से नहीं हो पा रहा था काम, उन्होंने 6 महीने के अंदर वो काम करने का काम किया। ये और हम आपको बताने चाहेंगे कि हमारी सरकार ने गरीबों को खाना देने तक का कार्य किया, और आज ये सरकार है जो खाना छुड़ाने का कार्य कर रही है, जो लोग जैसे तैसे जो कमा के लाते हैं उनका पैसा छुड़ाने एक तरह से खुली बिल्कुल डकैती डाल रहे हैं। और कहते थे जब हमारी समाजवादी सरकार थी तो सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते थे, आज हम योगी सरकार से और मोदी सरकार से कहना चाहेंगे कि आज आपकी कानून व्यवस्था कहाँ है, आप लोग क्या कर रहे हैं, रोज डकैती डल रही है, रोज लूटपाट हो रही है, गुंडे चरम पर है, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ हैं, क्या व्यवस्था है। आज जो ये आपकी ग्राफ है गुंडई का, वो हर सरकारों से ज़्यादा बढ़ के आगे पहुंच गया है, तो क्या है आपकी कानून व्यवस्था क्या है। रोज अभी आप देखिए यहाँ हमारे जो बगल का गांव है कोठा गांव है, वहाँ पे एक बेचारी पाल लड़की थी, वहाँ पे कुछ लड़कों ने वहाँ पे उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, तो बेचारी ने लड़की ने जब उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने उसने बेचारी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से घटनाएं रोज हो रही हैं, रोज लूटपाट हो रही है, रोज डकैती डाले रही हैं, रोज हमारी बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। तो हम सभी समाजवादी साथियों से कहना चाहेंगे कि हम लोगों का काम है कि हम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास गांव-गांव तक जाएं और जन जन तक पहुंचाएं और बताएं कि और तुलना करें कि इन सरकार में और हमारी सरकार में क्या अंतर है। हमारी सरकार ने काम किया है और ये सरकार काम खत्म करने का कार्य कर रही है।